पीडब्ल्यूडी अधिकारी चरणजीत सिंह बैंस के खिलाफ उनके दफ्तर के आगे ठेकेदार एसोसिएशन ने दिया धरना। आरोप लगाया कि चरणजीत सिंह बैंस ठेकेदार को कर रहा है परेशान और कमीशन के नाम पर उनसे मांग रहा है मोटी रकम। और उन्होंने कहा कि इंजीनियर चरणजीत सिंह बैंस भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त है, जो कि उच्च अधिकारियों और नेताओं के नाम लेके पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों से मांगता है मोटी रकम। इस चीज से परेशान होकर पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने चरणजीत सिंह बैंस के दफ्तर का किया घेराव। इस चीज को लेकर ठेकेदार एसोसिएशन ने 23 जनवरी 12 बजे पीडब्ल्यूडी दफ्तर के बाहर किया धरने का ऐलान। जब सिटी होम न्यूज के रिपोर्टर्स ने उनसे बात करनी चाही तो वे बिना कुछ कहे ही चले गए। आज असी सारे ठेकेदार पीडब्ल्यूडी जिनके एक्शन साहब ने चरणजीत सिंह जी बैंस उन्होंने दफ्तर देके खड़े हैं। कुछ टाइम पहला बैंस साहब इस दफ्तर असी मीटिंग करने आए थे, उसके बारे अज खुलासा कर लगे हैं। सब तो पहला तो मैं सब दसना चाहवागा कि अज पूरे हिंदुस्तान के लोग जी अज की पीढ़ी है वो इंग्लैंड या कनेडा बाहर कंट्रिया भी क्यों जाना चाहती है। वो एक पिछले बहुत बड़ा कारण है कि जी अज की पीढ़ी काम करती है, बिजनेस करती है, पर जोड़े इतने मौजूदा अफसर ने उन्होंने काम कर नहीं देंगे। भ्रष्टाचार इन्ना फैल चुका कि काम करने अज कोई ना आराम दे ना काम नहीं कर सकता, उन्होंने फटना बंदा कोई नहीं रहा। अभी लोगों ने बड़ी उम्मीद रखी थी कांग्रेस कार आ गई कि जरूर भ्रष्टाचार खत्म होएगा, इन्हें भी डर पैदा होएगा, पर जड़ कोई खास नहीं नज़र नहीं आ रहा। अज जो जी पीडब्ल्यूडी दफ्तर के एक्स साहब को आए उन्होंने दसिया क्योंकि बहुत ठेकेदार की शिकायत थी कि बहुत ज़्यादा पैसे मंग रहा बार बार और सानू तंग कर रहा। उसकी आवाज़ उन्होंने गल की तो इसमें कोई चीज़ डर ही है नहीं, क्योंकि मैं लुधियाना होटल प्लान यूनिवर्सिटी का प्रधान हाँ, उसके नाते मैं उन्होंने गल करना है। वो कहता जी दो मिनट पहला हो लिया, दो मिनट अभी होर लेना, पर मंत्रियों की डिमांड है, मंत्रियों ने पैसे मंगे ने। जदों कि हर आदमी जानता कि पंजाब का जो मंत्री है सिंगल साहब इस टाइम वो एक बहुत ही ईमानदार तो नेक आदमी है, उसने इस एरिए आके इस महकमे आके काफ़ी सुधार किया, काफ़ी वधिया काम कर रहा। पर ये लोग किदां लोगों को बदनाम करते हैं, अफसरों को किदां बदनाम करते हैं, मंत्रियों को किदां बदनाम करते हैं, वह चेहरा असं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं। वो अभी 12 बजे परसों मीटिंग रखी है, सारे ठेकेदार उस मीटिंग चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, सारे मीडिया चाहे वह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे वह प्रिंट मीडिया सानू बुलाया जाएगा, तो अभी जिहड़ा साडे नाल होई है उसकी पूरा मैसेज चंगी तरह खोल के दसांगे किस तरह एक्शन जिहड़ा बैंस साहब है भ्रष्टाचार महकमे ने फैलाया, किदां लोगों को पैसे वसूल करता, किदां लोगों को ब्लैकमेल करता, वह अभी चाड़ना पावे विद प्रूफ, किदां अपने बच्चों काम के ला के किदां तो पैसे साढ़े ठेकेदार तो लैके उपर भेजता तो उन्होंने किदां कामयाब करता। क्योंकि असं डिमांड भी करा परसों कि CBI तो चार्ज की जानी चाहिए अफसर की कि इन्हों को पैसा कितों आ रहा, इन्होंने खर्चे किन्ने ने, यह किदां अपने बच्चों के उपर इन्ना रुपया ला रहे हैं। इसकी सारी जानकारी जी है अभी परसों बिल्कुल खुलासा करा खोल के ये बारे अभी पहला SC साहब मिल चुके हैं कि किदां एक एक्शन बिना किसी मंजूरी तो, क्योंकि जिमें कि अच्छा जो टेंडर ने वो ई टेंडर होंगे ने, उस तो बिना कोई टेंडर ले नहीं सकता, पर किदा एक करोड़ का एक टेंडर दे के पहला उसे बिना किसी दसे 6 करोड़ का कर दिता जाता, कोई पूछने वाला नहीं। जो अभी अगर गल करते हैं भी एक कि रूल के मुताबिक किया सरकार का तो सिंगल टेंडर की पेमेंट देने तैयार नहीं, पर एक ठेकेदार 1 करोड़ तो 6 करोड़ का काम किदा तुम्हें लाट कर दिता, तो कहें जी उपरों ऑर्डर आया, उपर कौन बैठे ने सूँ नहीं पता। असी मीडिया राही परसों 12 बजे एक मीटिंग करके इस चीज़ का पूरा खुलासा करांगे, तो सरकार तो मंग करांगे कि यह अफसर नथ पाई जाए, नहीं तो अज का पढ़िया लिखा बच्चा जेडे कि अज इंडिया जिन्होंने आप कहने कि सारा देश का उन्होंने मोढ़े के उपर है, वो लोग सारे धीरे करके बाहर चले जाएंगे। उन्होंने रोकने लिए अपने देश की तरक्की करने के लिए इन्होंने अफसरों नथ पानी बहुत जरूरी है। इन्ना कहता होया मैं सारा धन्यवाद करदा, परसों 12 बजे सारे मीडिया को बेनती करदा कि इतने पहुंचन PWD दफ्तर ताकि असी उन्होंने अफसरों नंगे कर सकीए जिन्होंने इतने लुट मचाई हुई है। धन्यवाद। लुधियाना से कैमरामैन गोल्डी के साथ अरविंदर सराना की रिपोर्ट, सिटी होम न्यूज़।